न्यूज़ रिपोर्टिंग की सीरीज़ चल रही है, ये उस सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले की दोनों सीरीज़ चैनल पर आ चुकी हैं, आप जाइए पहले उनको चेकआउट कीजिए, उसके बाद ये वाली सीरीज़ देखिए, क्योंकि सब कुछ सीक्वेंस से चल रहा है। इस सीरीज़ को देखने के बाद मैं आपको इतना तो श्योर करती हूँ कि आप रिपोर्टिंग की फील्ड में नए नहीं रह जाएंगे। अगर आप पहली बार कहीं रिक्रूट होते हैं या आप फ्रीलांस रिपोर्टिंग के लिए कहीं अप्लाई करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं, ये सीरीज़ देखने के बाद आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे और आपको उसकी छोटी छोटी चीज़ पता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग। पिछली बार हमने छोड़ा था PTC पर, हम हॉट स्विच देख चुके थे अपनी कवरेज पर, जो हम गए थे वहाँ से लाइव हम हॉट स्विच देख चुके थे। अब हमें PTC पीस टू कैमरा, बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा होता है आपकी न्यूज़ रिपोर्टिंग का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको यूज़ करके हम अपनी स्टोरी को, अपने प्रोग्राम को, अपनी जो आपकी पूरी एक आपने कवरेज करी है उसको हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वो है PTC, मतलब पीस टू कैमरा। जैसा कि आप इसके नाम से समझ रहे होंगे, पीस टू कैमरा मतलब कैमरे के आगे बोले जाने वाला एक छोटा सा हिस्सा या भाग, उसको हम किस तरीके से उसमें चेंजेस करके हम उसके साथ जो है उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम अपनी न्यूज़ स्टोरी को। तो आज हम बात करेंगे PTC के बारे में, कैसे PTC दी जाती है, क्या होती है ये PTC। तीन तरीके की होती है, एक ओपनिंग PTC, एक मिड PTC और एक क्लोजिंग PTC। ओपनिंग PTC जो शुरू में ही हम सबसे पहले अपनी स्टोरी बताने से पहले हम बोलते हैं, मिड जो बीच में बोली जाती है मतलब आगे के और पीछे के हिस्सों को जोड़ने वाली मिड PTC, और क्लोजिंग बहुत बार आपने चैनल्स में देखी होगी कि हम स्टोरी को कंक्लूड करते हुए अपना नाम, अपनी टीम का नाम, अपने चैनल का नाम, जगह के नाम के साथ बोलते हैं। तो ये तीन तरीके की ट्रेडिशनल PTC होती हैं। हार्ड स्टोरी जब हमें किसी उस दिन, जो उस दिन घटना हुई है उस दिन जब हमें जल्दी से हार्ड स्टोरी देनी है, तो PTC का कोई टाइम नहीं रह जाता, कोई जगह नहीं रह जाती न्यूज़ रिपोर्टिंग में। पर वही जो चीज़ कंटिन्यूएशन में है या उसको एक दो दिन बीत चुके हैं या बहुत ज़्यादा वो जल्दीबाजी में स्टोरी नहीं बताई जा रही है, किसी स्टोरी का फॉलो अप है, तो हम PTC को बोलते हैं। तो PTC बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है न्यूज़ रिपोर्टिंग का। तो ये तो हो गई तीन ट्रेडिशनल PTC जो पुराने ज़माने से यूज़ होती आई हैं। पर आज जब लोग वो पुरानी ढर्रे की चीज़ों से बोर हो जाते हैं, या जैसे ही आप अपना पुराना एक बोलने लगते हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कैमरामैन के साथ, वो तुरंत चैनल चेंज कर देते हैं। तो जो आजकल जो ट्रेंड है, नई नई चीज़ें रिपोर्टर्स लेके आ रहे हैं, कैसे वो अपने दर्शकों को स्टोरी के साथ बांधे रह सकते हैं, तो PTC के साथ चेंजेस करके बहुत ज़्यादा आप अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। पहले मैं आपको तीन जो PTC मैंने अभी बताई है, ओपनिंग, मिड और क्लोजिंग, इन तीनों का छोटा छोटा एग्जांपल देती हूँ किस तरीके से ये यूज़ की जाती हैं। कि जैसे मुझे शुरुआत करनी है, मैं ओपनिंग PTC दे रही हूँ इस किसान आंदोलन में, जिसको लेकर चल रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे अगर अपनी शुरुआत करनी है, अपनी स्टोरी बताने से पहले ओपनिंग PTC मुझे बोलनी है, तो मैं बोलूँगी कि जय जवान और जय किसान का नारा लगाने वाला ये किसान आज हो गया है सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर। आइए जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी, और फिर मैं ले चलूँगी अपनी स्टोरी की तरफ। मिड जो PTC होगी वो दो हिस्सों को जोड़ने के लिए होती है। जैसे आपने अपनी स्टोरी में अभी तक सड़कों पर बैठे किसान की बाइक ली है, और आपने अब अपनी मिड PTC बोल के और नेक्स्ट उसके घर की तरफ हमें रुख करना है। तो मैंने किसान की बाइक ली और फिर मैंने अपनी मिड PTC दी, ये तो हो गई सड़क पर बैठे इस किसान की बात। आइए देखते हैं कैसे गुजरी इसके परिवार की वो रात। इस तरीके से ये मैं मिड PTC दूंगी, पहले हिस्से को मैं दूसरे हिस्से से जोड़ दूंगी, ये मिड PTC होती है।
क्लोजिंग पीटीसी मैं इस तरीके से अपनी स्टोरी को कंक्लूड करूँगी, या तो एक कोट दूँगी या कुछ इस तरीके की किसी कवि की लाइंस बोल दूँगी अगर मुझे याद है तो। अगर रिकॉर्डेड है तो हम उसके लिए पीछे से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगी कि ऐसे कटी इन किसानों की ये पूस की रात, देखते हैं क्या लिखा है इनके भाग्य में, कैसे मिलता है इन्हें न्याय। इस तरीके से कंक्लूड करके मैं अपनी स्टोरी को ख़त्म कर दूंगी। ये तीन तरीके की जो पीटीसी, ये ट्रेडिशनल पीटीसी होती हैं। अब बात करते हैं जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, हम कैसे पीटीसी के थ्रू अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ट्रेडिशनल पीटीसी से हटकर नई तरीके की पीटीसी में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रेजिडेंट ने अवार्ड दिया है, ब्रेवरी अवार्ड्स हैं। अगर हमें वो ब्रेवरी अवार्ड्स का मैं पूरा प्रोग्राम बना रही हूँ, या मैं एक छोटी स्टोरी बना रही हूँ, किसी एक छोटे बच्चे को वो अवार्ड मिला है साहस का अवार्ड, तो उसकी पीटीसी का कंक्लूजन या ओपनिंग मैं किसी वीर रस की कविता से कर सकती हूँ। किसी भी कवि की कोई वीर रस की कविता हो, उससे मैं अपनी स्टोरी की शुरुआत कर सकती हूँ। ये पीटीसी में नया एक चेंज या इंटरेस्टिंग बना देता है पीटीसी को। अगर वो चीज़ किसी उससे जुड़ी है, गंगा की बात हो रही है या गंगा की सफाई की बात हो रही है, बनारस की कोई बात हो रही है, चुनावों की बात हो रही है कि बनारस में चुनाव लड़ा जा रहा है, या वो आपके स्टोरी बोर्ड पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करें। तो अगर उस तरीके की कोई बात हो रही है, अगर किसी धर्म से वो रिलेटेड है, तो आप गीता के श्लोक से भी अपनी स्टोरी शुरू कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं। किसी जो है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की कविता से आप अपना शॉट ले सकते हैं और उसको पीछे बोल के आप अपनी स्टोरी की शुरुआत कर सकते हैं, अपनी स्टोरी पे पहुंच सकते हैं। कई बार गज़ल की दो लाइनों से भी आप अपनी स्टोरी की शुरुआत कर सकते हैं या लास्ट कंक्लूड कर सकते हैं, या आप किसी शायर का कलाम से, जैसे गालिब है या फैज़ है या किसी भी इस तरीके के कलाम से, आप अपनी बात को कंक्लूड कर सकते हैं या उसकी मिड पीटीसी बना सकते हैं या ओपनिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो पीटीसी होती है वो बहुत एक अच्छा बांध देती है दर्शक को उस स्टोरी के साथ। और ये जो पीटीसी होती है ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है अपनी, कई बार ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन वो अपनी पीटीसी के लिए बहुत जाने जाते हैं। मतलब उनकी स्टोरी अगर आ जाती है तो लोग 2 मिनट रुक के और उसे देखते हैं कि ये कैसे पूरी कर रहा है अपनी स्टोरी, या देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चैनल्स में रिपोर्टर हैं। तो ये होता है आपका एक स्टाइल वे, और आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग द स्टोरी आपका ये होता है। कोई चीज़ अगर सिंपल वे में बता दी जाए, ठीक है, सुन लेंगे लोग, लेकिन वो उतना बांधने वाला नहीं होगा। और अगर आप इस तरीके की स्टोरी बनाते हैं किसी प्रोग्राम के लिए या किसी बुलेटिन के लिए, जो स्टोरी एक्चुअली जब तुरंत हार्ड स्टोरी होती है, तब आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं, आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं होता है। पर अगर आपके पास टाइम है, आपकी स्टोरी सुबह आप कवरेज के लिए गए थे और शाम को चलनी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, या किसी एक मुद्दे पे या किसी प्रोग्राम के बीच में चलनी है, तो आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत एक अच्छा उससे इम्पेक्ट आता है और लोग आपका स्टाइल और ये चीज़ समझने लगते हैं। तो ये था पीटीसी की पूरी कहानी, ट्रेडिशनल और जो आज का जो चेंजेस चल रहे हैं, दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। वो धीरे धीरे जब आप फील्ड में उतरते हैं तब आपको समझ में आता है कि हाँ, मुझे इस तरीके से अपनी स्टोरी बोर्ड के लिए मुझे ऐसे ऐसे शॉर्ट्स लेने हैं और मुझे इस तरह शुरू करना है, इस तरह ख़त्म करना है। तो ये था आज का टॉपिक पीटीसी। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एक और न्यूज़ रिपोर्टिंग से जुड़ी एक आगे की चीज़। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।